दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 51 दिन जेल में रहने के बाद 51 दिन तक जेल में रहने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी। जमानत देते हुए केजरीवाल के सामने कोर्ट ने 6 शर्तें रखी हैं। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। जमानत पर रहने के दौरान कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। साथ ही शराब केस में अरविंद केजरीवाल बात नहीं करेंगे। वहीं किसी गवाह से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी हिदायत कि केस से जुड़ी सरकार फाइल वो नहीं देख सकेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, यानी वो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं। अगर इन दोनों तस्वीरों को देखें तो पहली तस्वीर तब की है जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है और 51 दिन बाद वो बाहर आए हैं, जिसमें उनका जोश काफी हाई दिखा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में 21 मार्च 2024 को हुई गिरफ्तारी के 51 दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है, यानी आने वाले 22 दिनों तक केजरीवाल खुले आसमान में खुली हवा में रह सकेंगे। जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई शर्त भी नहीं रखी है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी नए जोश के साथ सामने आ गई। दिल्ली में आज सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपके 5-5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश के लोगों को उम्मीद मिली है कि आखिरकार संविधान की विजय होगी, इस लोकतंत्र की विजय होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। एक तरफ आप जमानत पर जश्न मना रही है तो बीजेपी उसे सरेंडर डेट की याद दिलाकर घेरने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का और करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल को ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, बाकी 54 सीटों के लिए बीजेपी विशेष प्लान के साथ मैदान में है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि बाकी बची सीटों पर टीम तैयार कर वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करें। और इसके साथ ही अगले 20 दिनों का चुनावी अभियान भी सेट हो चुका है। अगले 15 दिनों में विधानसभा स्तर पर जनसभाएं होने वाली हैं। अवध क्षेत्र में मोदी की 4 रैलियां और 2 रोड शो प्रस्तावित हैं। अगले चरणों में मोदी की 10 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं। तो वहीं अमित शाह और सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली भी पहले से तय हैं, यानी बीजेपी अब बाकी चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है, 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली हो, अमित शाह और जेपी नड्डा की चुनावी जनसभाएं, या फिर पीएम मोदी का रोड शो। अब तक के 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 26 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बाकी 54 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने गढ़ में एंटर कर चुकी है, क्योंकि अगर बात चौथे चरण की 13 सीटों की करें तो 2019 में एसपी और बीएसपी साथ चुनाव लड़ी, इन 13 सीटों पर विपक्ष का खाता भी नहीं खुला,
लेकिन बीजेपी की 13 में 13 सीटों पर जीत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कैसे 2019 में बीजेपी चौथे चरण में जीत पर परचम लहरा चुकी है और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी मोर्चा संभाल चुके हैं। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। और गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इन सब के अलावा बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर भी तैयारियां शुरू कर दी है ताकि बची तमाम 54 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। जेपी नड्डा लखनऊ में बैठक के दौरान तमाम निर्देश दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे, एक कार्यकर्ता 25 वोटर से संपर्क करेंगे, वोटर को बूथ तक लाने की भी जिम्मेदारी होगी, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, मोदी योगी की नीति का मैसेज पहुंचाना जैसे तमाम निर्देश जेपी नड्डा ने लखनऊ में मीटिंग के दौरान दिए। यानी जिस तरह पहले दूसरे और तीसरे चरण के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव बाकी बचे चरण के लिए होना है ताकि अपने गढ़ में कोई चूक न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए बात करेंगे दो लड़कों की जोड़ी की। 7 साल बाद यूपी में फिर एक पुराना सीन दोहराया गया। आज कन्नौज यानी कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे और इस चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव इसी सीट पर 2019 में चुनाव हार गई थी और ऐसे में राहुल गांधी भी अब दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद दो लड़कों की जोड़ी अब चुनावी मैदान में एक साथ नजर आ रही है। राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जीत का दावा कर रहे हैं और निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में फेल हो चुका है, जिस जोड़ी को यूपी की जनता पहले ही नकार चुकी है, क्या उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। दरअसल कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सपा कन्नौज सीट हार गई थी। कन्नौज अखिलेश के लिए साख का सवाल है। वहीं अमेठी छोड़ राहुल रायबरेली से लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यूपी के दोनों लड़के इसी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए साथ साथ आ चुके हैं। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। इस चुनाव में राहुल गांधी के लिए विरासत की सियासत बचाने की चुनौती है तो अखिलेश यादव के लिए 2019 में मिली डिंपल यादव की हार का बदला लेने का मौका।
लेकिन इसे चरितार्थ कर पाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है साइकिल का पंचर होना तय है। अखिलेश यादव जी कन्नौज से हार रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से हार रहे हैं, और मैं आज कन्नौज जा भी रहा हूं। ये दोनों साथ निकलें चाहे अलग अलग निकलें, कमल खिल नेतृत्व वाली सरकार राशन दे रही है, कांग्रेस तो भाषण दे करके सारा राशन खा जाती है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इसका खेल काफी जटिल है। 2017 के चुनाव में एसपी कांग्रेस साथ लड़ी, सपा कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21.8 रहा। चुनाव में बीजेपी को 39.7% वोट मिले, बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 तक चला गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार के चुनाव में भी दिखने लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विधानसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी सीट बचाने के लिए जूझ रहे हैं, और बीजेपी का 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखना दो लड़कों की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस ने 2019 में उत्तर प्रदेश की जिन 67 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था उनमें से 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी साख बचाने के लिए अपने प्रत्याशियों की जमानत बचाने के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिला चुके हैं। वैसे बात जमानत जब्ती की जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जमानत जब्त कराने में यूपी नंबर 1 पर है। 2019 में उत्तर प्रदेश में 819 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। साल 2014 में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1087 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जो देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है। बात साल 2009 की जाए तो इस चुनाव में 1155 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, और 2004 के लोकसभा चुनाव में 907 प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई थी। और आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत बचाने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुकी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे, कईयों को अपनी जमानत बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तो शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को 2.93% वोट मिले और ब्रह्मस्वरूप सागर की जमानत जब्त हो गई। खीरी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 8.11% वोट मिले, यहां जफर इकबाल की जमानत जब्त हो गई। धौरहरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 15.31% वोट मिले, यहां जितिन प्रसाद जमानत बचाने में असफल रहे। इटावा में कांग्रेस प्रत्याशी को 1.61% वोट मिले थे, अशोक दोहरे की जमानत जब्त हो गई थी। सीटें तो कई हैं जहां 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन इससे भी रोचक आंकड़े यूपी से ही हैं, क्योंकि 2019 में जमानत जब्त कराने में यूपी नंबर 1 है। यूपी के 819 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। तमिलनाडु के 774 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। महाराष्ट्र में 768 बार जमानत नहीं बचा पाए। जमानत जब्ती के 17.5 करोड़ रुपए सरकार को मिले। चुनाव चाहे निकाय का हो या सांसदी का, प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई एक निश्चित धनराशि जमा करानी होती है। इसे जमानत राशि कहा जाता है, जिसे बचाने के लिए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तभी तो खोते जनाधार और अपने प्रत्याशियों की जमानत बचाने के लिए राहुल गांधी अब साइकिल से रफ्तार भर रहे हैं और हर हाल में 2019 के परिणाम को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान प्रेमी मणिशंकर अय्यर की। अमूमन चुनाव के दौरान अय्यर जैसे नेता एक्टिव हो जाते हैं। मणिशंकर ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए भारत को उनका सम्मान करना चाहिए।
और लगातार पाकिस्तान से बात भी करते रहना चाहिए। कांग्रेस नेता का ये बयान अप्रैल 2024 को बताया जा रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान से 10 साल से बंद बातचीत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का एक और नजराना। मणिशंकर अय्यर को मिला एटम बम वाला बहाना। पाकिस्तान परस्त नीतियों पर बीजेपी का निशाना। कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रह रहकर सामने आ रही है। अप्रैल 2024 का वो इंटरव्यू देखिए, जिसमें मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के लिए पलक पावड़े बिछाने की बात कर रहे हैं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के, 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को इज्जत देने की वकालत कर रहे हैं। जाहिर है मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के लिए ये दिल लगी बीजेपी को अखर गई है। अब पूरा कांग्रेस का कुनबा बीजेपी के टारगेट पर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ की। वो पहले फेज महोत्सव के दौरान लाहौर में हुए वेलकम पर अपना प्यार लुटा चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े, हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा। अंकल मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।